नमस्ते। आज हम आपको दिखाएंगे इडली बना रही हूँ आज। ये कॉर्न स्टार की देखिए, मैंने ना सूजी ले ली है, उसको दही में अच्छे से फेंट लिया है और मैंने प्याज काट ली है और जो ये आते हैं ना मसाले उसमें से मत दिखा ना, ये देखो ये जैसे पिज्जा वगैरह के साथ मिलते हैं ना ओरिगेनो का मसाला, एक पैकेट मैंने ये डाल दिया था इसमें। ठीक है, नमक डाल लिया और हरी मिर्ची पीस के रखी हुई थी वो डाल दी। ठीक है, अब ये थोड़ी और कॉर्न्स, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कोई चीज एक्स्ट्रा डाल दो ना फिर उसकी बस अलग से स्वाद आएगा। मैंने दो तीन मुट्ठी भर के इसमें डाल दी कॉर्न्स। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी बस बस बस। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसी, आज पहली बार बना रही हूँ, कॉर्न्स रखी थी तो ठीक है। और मैंने इसमें घी लगा लिया है और पानी यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ। अरे वो रह गया, क्या रह गया बताओ, मेन चीज मीठा सोडा है। ये देखिए मैं थोड़ा सा सोडा ऐड कर देती हूँ, फूलेगा कैसे फिर, आसानी रहे उसको। आधा चम्मच मैंने डाल दिया ये। इसको हल्के हाथ से फेंट के बस अब मिक्स हो गया है। अब मैं डालती हूँ इस टाइम में, छेद में से निकल नहीं आएगा, नहीं ज्यादा मत भरना। ठीक है, दिख रहे हैं मुझे बाहर आ जाएगा ना, इनमें से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये फूलेंगी ना तो फिर नहीं तो फिर फैल के बाहर आ जाएंगे। अभी इसकी डबल हो जाएंगी, घी भी नहीं लगाया, लगा दिया मैंने, मैं लगा दिया पहले तैयारी करके रख दी क्योंकि पानी उबलना रख दिया था ना इसके ऊपर। ठीक है, स्टीमर में मैं नहीं बनाती, मैं सोच रही हूँ पता नहीं स्टीमर काम का है कि नहीं है, कुकर में पानी बॉईल करके वो कर देती हूँ। कोई कमेंट करके बताना भी स्टीमर ठीक रहता है क्या इडली के लिए या कुकर, स्टीमर ले लेंगे। स्टीम करानी होती किसी भी बड़े बर्तन में ऊपर ढक दो पानी डाल के, वो एक तरह से स्टीमर का ही काम करता है। पर एक प्रॉपर स्टीमर अगर हो उसमें क्या कैसी बनती है वो मुझे पता नहीं, कोई बताना अगर कोई बनाता हो तो। स्टीमर में कितनी प्लेट्स हैं? चार प्लेट्स हैं, इसकी कटोरी छोटी छोटी हैं। बच्चे का पेस्ट अब दूसरे बर्तन में रख दूंगी क्योंकि मैंने मीठा सोडा मिला दिया। मीठा सोडा मिलाने के बाद पेस्ट को रखना नहीं चाहिए, साथ साथ ही उसको बनाना होता है क्योंकि वो नमक वमक है सब। अब बढ़िया नमक डाला हुआ मैंने, मिर्ची भी इसमें मैंने हरी डाल रखी पीस के, उसका अलग ही टेस्ट आ रहा है। ठीक है, आज हमने बनाई है कॉर्न्स वाली इडली। ये इसको 15 मिनट इस कुकर में, पानी बहुत है, पानी बहुत है ना, थोड़ा और पानी ऐड कर दो, वहां से ले लो थोड़ा और पानी ऐड कर देते क्योंकि उबल के थोड़े से निकल गया ना। बस 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 बंद करो, डालो थोड़ा सा डालना, बस बस बस। ये मैंने इसमें रख दिए, अब गैस मीडियम है, अब इसको मैं ढक दूंगी, इसको मैं कुकर के ढक्कन से ही ढकूंगी कि विसल निकाल के। ठीक है, ये निकाल के इसको बंद कर दिया। अब देखिए कॉर्न्स की इडली बन के तैयार हो गई हैं और अच्छी लग रही हैं काफ़ी खाने में। ये कैसी लग रही हैं, पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आ रहा है ना, काफ़ी सारी बना दी मैंने। ओके, आप भी ट्राई करें।